इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राज क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। आज भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव के नेतृत्व में नीमराणा भैरड को जिला बनाने के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति नीमराणा से लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान संतोष बलवान सिंह यादव, बहरोड पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव, कांग्रेस प्रदेश सचिव ललित यादव, कांग्रेस नेत्री मेजर कविता OP यादव, कांग्रेस नेता अशोक मुद्गल, भाजपा जिला महामंत्री उमेद सिंह भाया, जिला उपाध्यक्ष पंडित वीरू भारद्वाज, भाजपा जिला प्रवक्ता सुनील यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष उमाशंकर यादव एवं सैकड़ों राठ क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने जिला अस्पताल बहरोड में रक्तदान शिविर का बहरोड कस्बे के 10वीं और 12वीं टॉपर विद्यार्थियों से उद्घाटन करवाया। वहीं जिला अस्पताल भवन बहरोड में डॉक्टर चैम्बर निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हुआ, जिसमें शिलापट पर कस्बे के होनार विद्यार्थियों के नाम अंकित करवाए गए। हॉस्पिटल जिसके टॉयलेट भी एयर कंडीशनर हो, आज तो डॉक्टर्स के चैम्बर्स का इनोग्रेशन हमारे यहाँ के प्रतिभावान बच्चे बच्चों ने किया है। अब शुरुआत है, बड़ा इनके लिए रिसेप्शन हॉल भी बनेगा, अटेंडेंट बैठने के लिए वो लग्जरी सोफे मिलेंगे तो शायद राजस्थान में, जयपुर के भी शायद ही किसी प्राइवेट बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी मिले इतने लग्जरी सोफे भी। यहाँ ईमानदार मेहनतकश लोगों के बैठने के लिए होंगे। अटेंडेंट आते हैं, बाहर गर्मी में पर्ची कटवाते थे, लोग चक्कर खा के गिरते थे धूप में, अब एयर कंडीशनर के अंदर ही वो अपनी पर्ची कटवा सकेंगे और एयर कंडीशनर में ही आराम से सोफे पे बीमार अटेंडेंट बैठ सकेंगे। सारे वार्ड उनके AC होंगे, हमारे डॉक्टर्स के रूम AC होंगे, इवन गैलरी कहीं भी कोई बैठेगा पेशेंट अटेंडेंट पूरा फुली एयर कंडीशनर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बहरोड का जिला अस्पताल होगा। राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के तहत बहरोड के गांव गुती में विधायक बलजीत यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पंचायत समिति कार्यालय नीमराणा में सभागार के सौंदर्यकरण कार्य का उद्घाटन प्रधान संतोष यादव, विकास अधिकारी संजय कुमार, जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान सरपंचों और अधिकारियों ने अतिथियों का साफा और शॉल पहनाकर स्वागत भी किया। बहरोड में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का शुभारंभ 31 अगस्त को मंगल मैरिज होम पर आयोजित होगा। यह जानकारी देते हुए अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष अशोक दीवान ने बताया कि कथा वाचन आचार्य श्री विष्णु महाराज बलभद्र पीठाधीश्वर द्वारा किया जाएगा। इससे पूर्व पंचमुखी हनुमान मंदिर से 501 महिलाओं द्वारा गाजे बाजे हाथी घोड़ा पालकी पग्गी के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं रास्ते पर स्वागत और जलपान की व्यवस्था भी रहेगी। RPS ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर OP यादव का निधन हो गया। कल उनकी पार्थिव देह को उनके फार्म हाउस पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। कल शाम को ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र एडवोकेट नरेंद्र राव और मनीष राव ने मुखाग्नि दी। डॉक्टर OP यादव 62 के भारत चीन युद्ध और 71 के भारत पाक युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाया और 15 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी। कानून के क्षेत्र में भी उन्होंने लंबे समय तक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में लोगों को न्याय दिलवाया। उनकी अंतिम यात्रा में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा,
सीएम ओएसडी भूपेंद्र सिंह, विधायक सीताराम यादव, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, नरेंद्र यादव, राव बहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। बहरोड में एसबीआई के अधिकारियों ने सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद उसकी पत्नी को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। प्रबंधक राकेश तांबी के अनुसार कस्बे के सुरेंद्र सिंह की बस के सामने आमने सामने की टक्कर में मौत हो गई थी। मृतक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बचत खाते पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, जिसके तहत आज उनकी पत्नी को उस पॉलिसी का चेक सौंपा गया। लियो क्लब बहरोड का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक अग्रवाल ने अध्यक्ष गोविंद गुप्ता सहित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।